ओ भाई साहब कितने ऊपर तक आसमान में उड़ रहे हैं मेरे कबूतर, देख सकते हो दोस्तों कितने ऊपर तक उड़ रहे हैं और कितने खूबसूरत लग रहे हैं यार। वेलकम टू बैक गाइस, आज हम आ चुके हैं फाइनली नए वीडियो के साथ। देख सकते हो हमारे कबूतरों की पहली उड़ान है ये। अपने आरिफ भाई सामने से कबूतरों को उड़ा रहे हैं, आपको कबूतरों की अभी बहुत ही ऊंची उड़ान दिखाते हैं। दोस्तों ये नए कबूतर है और नए कबूतरों के हमने पर खोल के उड़ाए हैं ऊपर। चलो अपने आरिफ भाई कबूतर उड़ा रहे हैं, देख सकते हो अपने कबूतर यहाँ पे उड़ने लग गए और कितने ऊपर तक जाएंगे अभी देखना गाइस। अगर आप भी हमारे वीडियो में नए हो तो वीडियो को लाइक करके एक चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, और साथ ही साथ बेल वाले आइकन को ऑल पे सेट कर देना मेरे भाई। देख सकते हो दोस्तों कितने खूबसूरत लग रहे हैं एकदम खुले आसमान में कबूतर उड़ते हुए, बहुत कम देखने को मिलता है। और वीडियो को लास्ट तक देखना, लास्ट में जो होने वाला है आप लोग दंग रह जाओगे देख के। दोस्तों आपके नॉलेज के लिए बता दूं, आपको कबूतरों को कभी बंद पिंजरे में नहीं रखना चाहिए, हमेशा उड़ाते रहना चाहिए यार। कबूतर एक खुला पक्षी है और ये आसमान का राजा है, तो इसको उड़ना पसंद है। ऐसे में हम इसको कैद करके रखेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा। कबूतरों को हम लोगों ने इस प्रकार टैलेंट किया है, देखो खुद ब खुद उड़ के हमारे घर के ऊपर वापस आ जाते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना मेरे भाई। फाइनली हमारे कबूतर वापस आ चुके हैं और हम भी जा रहे हैं, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों हम आपको कल के वीडियो में दिखाने वाले हैं कि कबूतर का बैठने का स्टैंड कैसे बनाया जाए। इसी वीडियो में कल हम बात करने वाले हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल वाले आइकन को ऑल पे सेट कर देना। देख सकते हो ये कबूतर की छतरी है और ये कबूतर का बंबू है। बाय बाय गाइस।